इतना जबरदस्त लग रहा है इधर ना, बहुत ज्यादा ठंडा पानी था। अभी तो जाए जा रहे पता नहीं। वेलकम टू माई न्यू वीडियो गाइज, और गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 3:30। हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली से देहरादून के लिए। हम लोग जाएंगे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो 4-5 जगह और भी बहुत सारी मस्त जबरदस्त जगह हम लोग घूमने वाले हैं। इधर रात को ही पैकिंग हो गई थी, आदित्य भी उठ गया और उधर राघव सो रहा है, और मैं निकल रहा हूँ अभी गाड़ी लेने के लिए। मैं लेके आ रहा हूँ गाड़ी। अंधेरा हो रहा गली में बहुत ज़्यादा, देखो अंधेरा हो रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो गाइज मैं ना भी नीचे आया, ये देखो ये भाई है ना थक हार गए, इधर रोड पे ही सो गया। तो गाइज मैं आ गया हूँ गाड़ी लेने के लिए, और ये पीछे खड़ी है गाड़ी। अभी इसको लेके मैं जाऊँगा मोनी को लेने के लिए, तो चलो गाइज चलते हैं मोनी के घर। तो मैं पहुँच गया हूँ मोनी को लेने के लिए उसके घर के पास, अभी वो पीछे गली से आएगी। मैडम आ गई है और उत्तराखंड की वादियों से अपने ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए जा रही है। ये है मोनी, और ये पहली बार हमारी वीडियो में आ रही है। ये जेल का दरवाजा खोल दिया इन्होंने, प्यारी समझ गई। इनकी गली के बाहर ना जेल लगी हुई है, और ये इसका लड़का है बड़ा। नमस्ते। तो हम सभी लोग निकल चुके हैं देहरादून के लिए। हम लोग जा रहे हैं कार से, बाय कार। आपको पूरा रोड का व्यू दिखाएंगे, और जो भी रास्ते में होगा खाएंगे पियेंगे वो सब आपको दिखाएंगे। तो करते हैं देहरादून के इस ब्लॉग की शुरुआत। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो गाइज हम लोगों ने लिया पहला ब्रेक जो लिया मुजफ्फरनगर के पास, ये पीछे ढाबा बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पी लेते, उसके बाद निकलते सीधा हरिद्वार के लिए। और ये है मेन हाईवे, मुजफ्फरनगर के शहर के अंदर नहीं गए तो बाहर बाहर से निकलते, तो वो वाला ये रोड है। और ये हमारी सारी पार्टी जो बैठी। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार में रुके, पीछे आप देखो ओम बना हुआ है, ओम की आकृति बनी हुई है पीछे, मस्त लग रही है ओम की आकृति। तो सामने है माँ गंगा मैया और हर की पौड़ी, इधर ऊपर दिख रहा ना वो मनसा देवी मंदिर है, और ये हैं बड़े भोले बाबा जो 108 फुट की प्रतिमा भोले बाबा की। लेफ्ट साइड में देहरादून जाने का रास्ता, और फ्लाई ओवर से सीधा ऋषिकेश श्रीनगर चले जाएंगे। कितनी जबरदस्त लोकेशन आई ना सामने, बहुत बढ़िया वीडियो बनेगी, शॉर्ट्स दिख रही है भाई जी। इधर से थोड़ी ही दूर है सहस्त्र धारा, और ये है देवभूमि उत्तराखंड। भाई साहब देहरादून क्या मस्त नज़ारा ना, गजब। देखो कैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं, बिल्कुल मज़ा आता पहाड़ों में आके ना, एक नंबर का मज़ा आता। भाई साहब देखो पहाड़ कितने शांत और कितने खूबसूरत लगते हैं ना पहाड़। पहाड़ों में आके वापस जाने का मन ही नहीं करता, इतने अच्छे लगते हैं पहाड़। भाई क्या लोकेशन है ना देहरादून की, गजब। सामने फ्लाईओवर देख के तो ना मजा ही आ गया, कसम। मस्त फ्लाईओवर बना है, और पहाड़ क्या जबरदस्त पहाड़ लग रहे ना। तो गाइज हम लोग आ गए हैं सहस्त्र धारा जो है देहरादून में। यहाँ पे हमने रोड पे गाड़ी पार्क कर दी, और वहाँ पे प्रवेश की जो पर्ची है 50 रुपये की, और अंदर भी पार्किंग की पर्ची अलग से ले रहे हैं। तो हम लोगों ने इधर गाड़ी पार्क कर दी है, और इधर हमारे पीछे है सहस्त्र धारा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, नहाएंगे, वो सब आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं नहाने के लिए। ये ना ऊपर जाते हैं, ऊपर ये ट्रॉली जो लगी है ना, यहाँ से ऊपर जाओगे ना, ऊपर रेस्टोरेंट बने जहाँ से पूरा इसका ना सहस्त्र धारा का मस्त वाला व्यू दिखता है इधर से ऊपर से। ये देखो ऊपर जा रही है ना, जा सकते हैं ऊपर। क्या है, अच्छा ये सारी एक्टिविटी है ऊपर, ये सारी एक्टिविटी है ऊपर। और 200 रुपये की टिकट है, और टाइमिंग क्या 9 बजे से 7 बजे तक की टाइमिंग है इधर। तो हम लोगों ने जो गाड़ी पार्क की है उधर की है, और इधर से है मेन रास्ता एंट्री अंदर जाने के लिए। तो हम लोग अभी उधर गाड़ी पार्क हो गई तो इधर से जाएंगे अंदर, सहस्त्र धारा मुख्य, वो लिखा हुआ है सहस्त्र धारा मुख्य प्रवेश द्वार। तो ये है मुख्य प्रवेश द्वार इधर का। तो ये है ना, इधर बहुत सारी दुकानें बना रखी है ऐसे खेलने वाली ना, बच्चे निशाना वो लगाते हैं इन पे और खिलौने जीतते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता इनसे। तो गाइज ये है सहस्त्र धारा, हम लगा चुके हैं सहस्त्र धारा। बहुत सारे है ना ये बनाए हुए छोटे छोटे नहाने के लिए, वो बहुत सेफ है, आप आराम से नहा सकते हो। ट्यूब भी है यहाँ पे, इनको भी आप बाय कर सकते हो। और उधर तो पूरा जहाँ तक बहुत आराम से खुला ना, कोई दिक्कत नहीं उधर तक। उधर तक पूरा ये नहाने का ना, उधर तक बना हुआ देखो,
ये देखो ये पहले घुस गए, ये देखो ये गए। तो बहुत अच्छा नहाने का सेस्तर धारा में, इधर खाने पीने की दुकानें बड़ी हुई है सारी। आइए वो ना गन से वो करके इनाम इनाम जीतना, इस पर निशाने लगाते हैं और उस पर इनाम इनाम जीते। और ये मार्केट है पूरी इधर की, सेस्तर धारा की मार्केट बाजार है पूरा। ये देखो पूरा बाजार है इधर, खाने पीने की दुकानें सारी चीज़ भाई साहब मस्त बना रखा है। देखो ये बहुत सारे बना रखे हैं इधर ना, ये देखो ये खेलने वाले निशाने लगाने वाले बहुत सारे बना रखे हैं इधर भाई। सब लोग है ना इधर मस्ती कर रहे हो, मस्त देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं सब, सहसल धारा में नहा रहे हो। और इधर ही है ना मंदिर भी है, उधर कहीं है ना उस वाले मंदिर में भी देखते जाएंगे। और इधर ये लोग तो चले गए नीचे, ट्यूब किराए पर मिल रही है। और इधर नहाने का बहुत मस्त वाला बना, उधर तो बहुत सारे नहा रहे हैं इधर है ना सस्ता धारा पे, मस्त वाले मजे आने वाले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो लोग यार चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी उधर जा रहे हैं जिधर गंदक का पानी ना, उधर नहाने के लिए जा रहे हैं। नारे तो मस्ती कर रहे हैं मजे। मैं जा रहा हूँ नीचे पानी में। चल के पहला 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 पूरी बात आ जा जा आ जा ला ला जा अभी तो डर ना अभी सारा सारा करना मजा आ रहा है। सब किल्ला जरा था आ रहा हूं मैं, डर लग रही है मुझे नाली। तो गाइस सेस्तर धारा ये पीछे पूरी की पूरी सेस्तर धारा जो है देहरादून में, यहाँ पे हम लोग नहा लिए और अब बच्चे भी नहा ही रहे हैं। अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे गुच्चू पानी। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे गुच्चू पानी और सेस्तर धारा की वीडियो में अगर यहाँ पे और कुछ है तो वो सब आपको दिखाएंगे। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देहरादून उत्तराखंड की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम लोग क्या नाम है सेस्तर धारा। तो गाइज सेस्तर धारा तो हम लोग नहा लिए धो लिए हैं और सेस्तर धारा को दिखाया। तो अभी सेस्तर धारा के बाद हम लोग जा रहे हैं क्या देहरादून में ही गुच्चू पानी। तो अगले पार्ट में जो आएगा, अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी गुच्चू पानी की। तो अगली वीडियो और देहरादून की यात्रा, और सपोर्ट करते रहिए यार दोस्तों, आप ही के सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो अभी चलते हैं गुच्चू पानी, उसके बाद गुच्चू पानी फिर लोग जाएंगे हरिद्वार और कहीं भी जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं अभी तक, खा रहे हैं छोले कुलचे, ये कोल्ड ड्रिंक पी के बैठ गई, ये सब छोले कुलचे खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, छोले कुलचे चल रहे हैं, पार्टी चल रही है पूरी।
तो गाइस सेस्तर धारा तो हम लोग घूम लिए और बड़ा मजा आया, बड़ा मस्त मजा इधर घूम के ना नहा धो के, और बहुत देर तक नहाए धोए देखो सारे है ना नहा धो के फुल मस्ती में, भाई साहब फुल एडवेंचर गया है ना, अगर आप आओ तो बहुत मजा आता है। तो यहाँ तो हम लोग नहा लिए नहा धो लिए, अभी यहाँ से तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं सीधा गुच्चू पानी के लिए, तो चलो चलते हैं गुच्चू पानी और वहाँ पे क्या 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 एडवेंचर हो क्या क्या होने वाला है गुच्चू पानी वो सब आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं गाइस गुच्चू पानी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नए है तो धड़ाधड़ सब्सक्राइब ठोक देना। हम आपको वहीं मिलते हैं। कहाँ पे? वहाँ पर जहाँ पर हम जा रहे हैं अभी, हम गुच्चू पानी। हाँ गुच्चू पानी में मिलता अभी हम आपको। राघव भी नहा लिया फिर से, ये सारे सारे ना फिर से नहा लिया ये। गाइस फाइनली इतनी देर के बाद हम लोग निकल चुके दूसरी तरफ आए, अभी बाहर नहीं निकले, वापस नहीं आए, फिर दूसरी तरफ आए हैं और अंदर पूरा पानी है, देखो नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, सब लोग पानी में घुस। हाँ ये देखो अभी अंदर जा रहे हैं।